आज के ताजा मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही कि हो जाए अलर्ट। उत्तर प्रदेश में अब फिर गरज चमक साथ बरसेंगे बादल। 33 से ज्यादा जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया येलो, कहीं ऑरेंज अलर्ट। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन से ज्यादा जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने अब येलो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और किन किन जिलों में सावधान रहने की अपील की है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, एंड तक देखें। और चैनल पर आओ पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपको बता दें कि बीते कुछ समय से बारिश का दौर जारी है। आगरा में भी बीते कुछ समय पहले बारिश हुई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कानपुर में आज रात से फिर बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। वहीं तेज हवाएं भी चलना शुरू हो जाएंगी और आपको बता दें गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर और हापुड़ में भी बारिश होगी। आपको बता दें मौसम विभाग ने अब 33 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिनमें येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक आपको बता दें लगातार बारिश होगी। वहीं आपको बता दें कि देश में ये भी खबर आ रही है कि एमपी के बाद यूपी में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। वहीं आपको बता दें बीते कुछ समय पहले 7 से 15 सितंबर के बीच आपको बता दें कि सबसे ज्यादा बादल बरसे। बीते एक सप्ताह में यूपी में 95% ज्यादा बारिश हुई। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक औसत आपको बता दें कि 45.30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की होती है, लेकिन बीते 7 दिनों में आपको बता दें 88.30 mm बारिश पूरे यूपी में दर्ज की गई। पूरे देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में 99%, महाराष्ट्र में 74% और केरला में 92% सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, जालौन, औरैया, हरदोई, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, फिरोजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज समेत आपको बता दें सोनभद्र में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक साथ बारिश होगी। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम को लेकर ये भी खबर आ रही है, चलिए जानते हैं कि किन कारणों से हो रही है बारिश। आपको बता दें CICA यूनिवर्सिटी के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आयसन सुनील पांडे के मुताबिक बंगाली खाड़ी में बना एक चक्रवात दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और निचले स्तर पर उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। एक तरफ मानसूनी रेखाएं दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए उत्तर पश्चिम बंगाली खाड़ी के ऊपर तक फैली हुई है। इससे निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो बारिश का कारण बन रही है। अगर बात करें बीते कुछ समय पहले किन जिलों में कितनी हुई बारिश, तो आपको बता दें बिजनौर में 40.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, फतेहपुर में 0.50 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, वहीं गौतम बुद्ध नगर में 18.5 मिलीमीटर कई जगह बारिश रिकॉर्ड की गई। गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में अगर बात करें तो 20.5 मिलीमीटर बारिश यहां भी रिकॉर्ड की गई। अगर हमीरपुर के कुछ हिस्सों की अगर बात करें तो 4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई बारिश। वहीं कन्नौज की अगर बात करें तो यहां भी 8.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मेरठ की अगर बात करें तो 28 दशमलव यहां रिकॉर्ड की गई बारिश। वहीं मुजफ्फरनगर में 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन मौसम की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।